क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। हम कंटिन्यू एक्सीलेंट की डेस्कबुक को सॉल्व कर रहे हैं सभी मॉडल पेपर को, जिसमें पहला मॉडल पेपर हमारे चल रहा है उसके अंदर से हमारे 18 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके ईजिली देख सकते हैं। मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दिया है और प्लेलिस्ट डेस्कबुक 2023 नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और उसमें कंटिन्यू आपको एक एक क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा और आप इजीली इन सभी वीडियो को देख के आसानी से हर प्रश्नों को समझ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19वां प्रश्न करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आने के चांस है इसके, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर भी करना है और लाइक भी करना है ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुँचेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने की टोटल 3 विधियां हैं, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक है पग विचलन विधि। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट विधि वो यही है कल्पित माध्य विधि और इसी विधि से अधिकतर बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छे ढंग से समझना है और बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले आपको जो जो टेबल दे रखी है, देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्ग और यहाँ दे रखा है बारंबारता, तो इसमें ऐसा का ऐसा आपको ये दो कॉलम तो पढ़ने हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि 5 कॉलम वाली एक टेबल बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 रो वाली एक आपने टेबल बना ली। उसके बाद में 2 कॉलम तो आपके दे रखे हैं, देखिए 1 और 2, तो इनको तो एज इट इज ऐसे कैसे मैं भरूंगा। 3 कॉलम आपको अपने मन से बनाने हैं, उसके अंदर क्या करना है वो सारा हम यहाँ सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ वर्ग जो कि दे रखा है और दूसरा क्या है बारंबारता, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बारंबारता। ओके, और बारंबारता को FI से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है FI। अब देखिए वर्ग के अंदर जो दे रखा है वो ऐसा का ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और जो 23 से लगाकर है 25, 23 से 25। ठीक है, ये पूरे जो वर्ग अंतराल है वो ऐसे कैसे मैंने लिखे, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब मैं देखिए बारंबारता लिख रहा हूँ, ये सभी जो बारंबारता है 7, 6, 9, 13, 20, 5 और 4, इन सबको ऐसे कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे 11 और 13 से आगे क्या है 7, तो आपको 7 यहाँ लिखना है। उसके बाद में देखिए 13 से 15 ये लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ गया 6, फिर 9, फिर 13, फिर 20, फिर 5 और फिर 4, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आपको ऐसा का ऐसा करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम के अंदर बाल मान लो आपको बिल्कुल आ रहा ही नहीं है ये विधि, जो कमजोर है उन छात्रों के लिए कह रहा हूँ, और आप इस टेबल को बना के थोड़ा बहुत ऐसे लिख देंगे तो भी आपके कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे, इसलिए आपको इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए आपके नेक्स्ट जो कॉलम 3 है उसके अंदर क्या करना है, नेक्स्ट जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर लिखना है आपको वर्ग चिन्ह, क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह, या दूसरा इसका नाम है मध्यमान, परंतु वर्ग चिन्ह सही रहेगा। अब देखिए वर्ग चिन्ह के अंदर आपको लिखना है XI, बारंबारता के नीचे क्या लिखोगे FI, वर्ग चिन्ह के नीचे क्या लिखोगे XI। ठीक है, अब XI वाला जो कॉलम है ये पूरा भरना है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है यानी 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इनको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 11 और जो 13 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 प्लस 13, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, 11 और 13 मिलके कितने हुए 24, और 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12, राइट। यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो दोनों को जोड़कर जो योग आए उसका आधा कर दो। तो देखिए 11 और
13 जोड़े कितने आ गए, 24, 24 का आधा कितना हुआ 12, तो यहाँ लिखना है आपको 12। ओके, ऐसा काम सब मैं करना। देखिए 13 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 15 जोड़ेंगे आ जाएगा आपके 28, और 28 का आधा कितना हो गया 14। 15 और 17, 15 और 17 जोड़ेंगे कितने आ गए 32, 32 के आधे हो गए 16। 17 और 19 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 36, और 36 का जो आधा है वो कितना हो गया 18। 19 और 21 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ गए 40, और 40 का आधा कितना हो गया 20। 21 और 23 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 44, और 44 का आधा कितना हो गया 22। और 23 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, 39 का आधा कितना हो गया 24। अब देखिए वर्ग चिन्ह वाला पूरा कॉलम आपने भर दिया। नेक्स्ट आपको बढ़ना है डीआई वाला, जो कि कल्पित माध्य विधि के अंदर इस्तेमाल होता है। तो डीआई कैसे निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। डीआई, डीआई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, वो है कल्पित मान, तो कल्पित मान आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ कि माना यहाँ कल्पित मान क्या है 18, या मान लेता हूं माना कल्पित मान, कल्पित मान को ए से लिखते हैं और ए मान रहा हूं मैं यहां पे क्या 18। अब देखिए 18 कैसे माना है वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। यहां से जो वर्ग चिन्ह है देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। इसमें से पूरी रो के अंदर सबसे सेंटर में यानी बीच वाला जो मान होता है उसको मानते हैं कल्पित मान। तो देखिए ऊपर मैंने 3 छोड़े, नीचे 3 छोड़े, बीच में मिल रहा मुझे 18, तो ये मैंने कल्पित मान के रूप में मान लिया। अब देखिए जैसे मान लो आपके टोटल यहाँ कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 मान है इसलिए तो आपको बीचों बीच में मिल गया 18। अब मान लो 6 मान होते तो क्या करते, तो आपको ऊपर 3 छोड़ने, नीचे 2 छोड़ने, जो भी मान बीच में आए वो आपको मानना है, ठीक है। यानी किसी को भी मान सकते हैं, या तो तीसरे को मान लो या चौथे को मान लो। तो ये तरीका है आपके कल्पित मान मानने का। अब देखिए डी आई कैसे आपको फाइंड करना है, तो डी आई निकालते हैं। अब डी आई निकालने का तरीका, एक्स आई में से ए को घटाना है, ए माना क्या है आपने 18, यानी एक्स आई के जो भी मान है ये 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, इसमें से 18 को घटाते जाना है। तो 12 में से 18 गए, सबसे पहला मान क्या आएगा, 12 में से 18 घटाओ, देखिए 12 माइनस 18 तो क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 6। यानी 12 में से 18 जाते नहीं है तो क्या करेंगे, 18 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस ढंग से आपके ऊपर सभी माइनस वाले मान आ जाएंगे, नीचे प्लस वाले मान। तो यहाँ मैं सीधा ही घटा देता हूँ, देखिए 12 में से 18 गए, कितना बचा माइनस के 6। ओके, उसके बाद में ये जो 14 है इसमें से 18 घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का 4। फिर 16 में से 18 गए, क्या आ गया माइनस का 2। फिर देखिए यहाँ पे 18 है और 18 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो ऊपर तो सभी माइनस आ गए, अब नीचे आपके आ जाएंगे प्लस वाले मान। देखिए 20 में से 18 गए, क्या आ गया प्लस का 2। 22 में से 18 गए प्लस का 4। और 24 में से 18 गए आ गया प्लस का 6। तो इस ढंग से आपके डी आई के सभी मान है वो आ गए। अब आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम की पूर्ति करना है, वो है एफ आई और डी आई, यानी एफ आई वाले मान की गुणा करना किससे, डी आई वाले मान से। डी आई के कितने मान है देखिए, ये -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6, इन सभी का गुणा करेंगे किनसे, एफ आई वाले मान से। यानी 7 का गुणा सबसे पहले होगा किससे, -6 से। करो गुणा कितना आ गया, माइनस का 42। इसी प्रकार इस 6 का गुणा किससे करेंगे, -4 से, कितना आ गए माइनस के 24। फिर 9 का गुणा -2 से होगा तो क्या आ गया, माइनस का 18। 13 का गुणा 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते तो क्या आता है 0। फिर 20 का गुणा कर दो 2 से तो कितना आ गए 40।
पांच का गुणा चार से करेंगे 20, और पांच का गुणा चार से हो गया, और चार का गुणा कर दो छह से, तो क्या आ गया 24। अब देखिए आपके कल्पित मान से जो हम निकालते हैं माध्य, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप जो जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख के आपको बताता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो देखिए आपको फॉर्मूले के अंदर एक्स बार जब हम निकालते हैं यानी माध्य निकालते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए। ए क्या है, कल्पित मान जो कि हमारे पास है 18, ठीक है, ये रख लेंगे आराम से। एक चाहिए मुझे सिग्मा एफ आई और डी आई, यानी सिग्मा का अर्थ होता है योग, एफ आई डी आई का योग चाहिए। तो ये जो एफ आई डी आई है इसका योग करो, तो देखिए -42 -24 -18 40 20 और 24, इन सबको जोड़ो। जोड़ने का तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ तो है माइनस वाले मान, -42 है -24 है और माइनस के 18 है, राइट। तो इन सबको जोड़ेंगे अलग से, माइनस माइनस वाले मान, तो इन सबको जोड़ूंगा, तो देखिए ये सब जोड़ दो अलग से तो कितना आ जाएंगे, माइनस के 84 आ जाएंगे, यानी 84 आ जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार 40 20 और 24, ये जो प्लस प्लस मान है इन सबको जोड़ो, तो क्या आ गया प्लस के 84, राइट। देखो ये -84 है, ये प्लस के 84, और वापस इनको जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी सिग्मा एफ आई और डी आई इनका मान है वो क्या आ गया 0। तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया हमारे 0। एक मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई, तो जो एफ आई है ये इन सबको जोड़ना है, यानी 7 6 9 13 20 5 और 4 इनको जोड़ दो, तो क्या आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा आपके पास 64। जब जोड़ेंगे इन सबको तो क्या आ जाएगा 67। अब मैं इनके अंदर फॉर्मूले के अंदर मान रख के माध्य निकालता हूँ, तो कल्पित माध्य विधि से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आएगा। देखिए ए का मान क्या है 18, तो यहाँ लिखो 18। फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है यहाँ पे, देखिए ये रिजल्ट है वो पूरा क्या आया 0, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। फिर बट्टा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई है वो कितना है 64, 64। 18 प्लस, अब देखिए 0 के अंदर 64 का भाग देना है तो 0 ही आएगा, तो उत्तर आ गया हमारे 18, यानी माध्य है वो कितना आ गया 18। तो इस ढंग से आप इजीली कल्पित माध्य विधि से किसी भी बारंबारता बंटन का आप माध्य निकाल सकते हैं।